टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक व महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की एकलौती बेटी नताशा आव्हाड की शादी एलन पटेल से आज हुई है। बड़ी ही साधारण तरीके से ये शादी हुई है, जिसमें कुछ ही मेहमानों को बुलाया गया था। बिना किसी हंगामे, बिना बैंड बाजे की ये शादी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वही मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने जिस तरह से बेटी की शादी का इंतजाम किया, इस शादी का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया, वहीं बेटी के शादी के दौरान मंत्री जितेंद्र आव्हाड इमोशनल भी हो गए। मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने शाही शादी की प्रथा को तोड़ते हुए बेहद साधारण तरीके से बेटी की शादी की। इस शादी की काफ़ी सराहना भी हो रही है। वहीं शादी के दौरान गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड इमोशनल हो गए थे। और सर, एक और सर, अत्यंत भावुक क्षण भावुक झाला था। तुम्ही एक छोटा सा प्रश्न तुम्हाला आशीर्वाद काय बोलत आहे की एक क्षण असतो मुलगी इतकी दिवसापासून आपल्याकडे असते। तुमचं आणि नताशाचं जे नातं आहे ते अनेक वेळा समोरही आलं, जेव्हा तुम्ही कोविडच्या संघटनातनंही बाहेर येत होता त्यावेळी ज्या 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 माहिती बातम्या समोर आल्या त्यांनी कळते की तुमचं आणि नताशाचं जे रिलेशन आहे आणि आज ती आता आपल्या घरी जाणार आहे, नाही ती सासरी जाणार आहे आपल्या घरी, अर्थात ते तिचं घर असेल। 25 वर्ष आपल्या अंका खांद्यावर खेळलेली ते आपल्या घरात प्रश्न आहे। ही भावना खूप वेदनादायी आहे। काय बोलावे त्या बाबाने, कितीही मन कठोर करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते होत नाही। कारण का आपल्या घरात असणारी, बागडणारी, कधीतरी अंगावर धावून येणारी, ओरडणारी उद्यापासून ती नसणार। घरात तर पण गेलं असं त्यांचं साध्या सुद्धा पद्धतीने आपण हे हा विवाह सोहळा पार पडला। आपण पाहिलं की अशा आपण मोठे नेते आहात, कॅबिनेट मंत्री आहात, तर आपणही कॅबिनेट मंत्री वगैरे शेवटी मी एका पोलीसचा बाप एका पोराचा सासा आहे, ते सर्वात महत्त्वाचं नाते। कॅबिनेट मंत्री याच्यात येतो कुठे? नाही, पण आपण मोठा विवाह सोहळा करू शकला असता, पण साधा सुद्धा पद्धतीने आपण करता हा माझा प्रश्न। साहेब, मुलीला जे आवडतं ते मी केलं, जे मुलीने सांगितलं, जे जे तिने सांगितलं त्या त्या पद्धतीने मी करत गेलो। मी माझं कुठलंही म्हणणं तिच्यासमोर मांडलेलं आहे। लग्न तिचं आहे, त्यामुळे ते कसं करावं हा अधिकार तिचा आहे, तिच्या अधिकारात कुठेही बाधा येत नाही। वही इसी तरह से NCP पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान की बेटी सना और बेटे समीर की शादी में NCP पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल हुई थी। और जब निकाह हुआ उस वक्त इस निकाह को खुद सुप्रिया सुले ने अपने फेसबुक पेज से लाइव किया था। शायद ये पहला मर्तबा था जो सुप्रिया सुले ने किसी निकाह को अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया हो। आप भी देखें ये वीडियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जोड़े को बाबरकत बनाए, दोनों खानदानों को मेल मिलाप और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस खानदान को और दोनों खानदानों को इस्लाम की तालीमात को समझने, इस्लाम पर अमल पैरा होने, भूखों का ख्याल करने, गरीबों का तआवुन करने और रिलीफ का काम करके इस मुल्क की तरक्की के लिए कारनामे अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। ये दोनों के दोनों खानदान और ये लड़का और लड़की जो अब तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अल्लाह की चंद आयतों के जरिए इनको एक किया गया है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक्वा की इन तालीमात के नतीजे में इनको मुत्तकी और परहेजगार बनाए। इनके जरिए जो नई नस्ल चले, ये अपने बच्चों के जरिए गरीब के बच्चों का तआवुन करें, ये अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, अच्छी ट्रेनिंग करें। इनकी नई नस्लें जो आए वो मुल्क की तरक्की के लिए,
और पूरी दुनिया की तरक्की के लिए काम कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए, कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाला बनाए, तक्वा और परहेजगारी को इख्तियार करने वाला बनाए, नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए, गरीबों का ख्याल करने वाला बनाए, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सही अंदाज से इस्लाम और इस्लामी तालीमात पर चलने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदीक़े को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।